इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज कोल्ड ई सी जी इन द शॉर्ट फॉर्म ओके इट इज डिफाइंड एज रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड इन द हार्ट ऑन ए पेपर विद द हेल्प ऑफ मशीन मशीन से पेपर पर नोट्स करते हैं जो कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक देंगे करंट देंगे उससे जो हार्ट के अंदर पोटेंशियल जनरेट होगा उसको पेपर पर नोट्स करेंगे ठीक है उसको एसीजी बोलते हैं जिस मशीन से करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट या पोटेंशियल आर डिटेक्टेड बाय सरफेस इलेक्ट्रोड विच आर एम्पलीफाई एंड डिस्प्ले एज ए वेब फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए पेपर ओके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर वेव फॉर्म में क्या होगा इलेक्ट्रिकल जो करंट हार्ट में दे रहे हैं वो वेव फॉर्म में इस तरह के कुछ वेव फॉर्म में इस पर नोट्स होगा ठीक है ईच लीड ऑफ ई सी जी ऑफ समिपोलाइजेशन एंड रिपोलाइजेशन द हार्ट लीड्स के मतलब क्या हो गया एक लीड्स दो लीड्स ये अगर ईच लीड्स जो है ना दिखा रहा शो कर रहा है कि एक डिपोलाइजेशन होगा या रिपोलाइजेशन होगा हार्ट में उसको शो कर रहा है कुछ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे शो करता है मशीन में ओके okay? देना आएगा इसके बाद स्टैंडर्ड टूअर लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसी जी इट इज कंसिस्ट ऑफ लीड वी वन टू वी सिक्स आर कॉल्ड द चेस्ट लीड इज कंसिस्ट ऑफ चेस्ट लीड लिम्ब लीड एंड एगोमेंटेड लिम्ब लीड ओके okay? जो चेस्ट लीड है वो भी वन टू वी तक जो लीड होगा उसको बोलेंगे और लिम लीड लीड वन टू थ्री को लिम लीड बोलते हैं एंड लीड ए वी आर ए भी एल एंड एफ को एगोमेंटेड लिम लीड बोलेंगे ठीक है ये इस चीज़ें का नॉर्मल इस चीज़ का डायग्राम है ठीक है मेनली टी तक होता बट कभी कभी यू देखने को मिलता है पी वेव जिसका जीरो पॉइंट वन सेकेंड है ओके ये पी वेव हो गया यहाँ तक पी वेड पी वेव एंड ये जो है ये क्यू वेव और ये आर वेव है आपका और ये एस वेब और टी वेव एंड जो सेगमेंट है ये एस टी सेगमेंट हो जाएगा एस टी के बीच में रहेगा इंटरवल ठीक है तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है आप बताते हैं जैसे कि पी आर इंटरवल ओके पी से आर इंटरवल यहाँ से आर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पी आर इंटरवल होगा एंड क्यू आर एस यहाँ से क्यू और यहाँ से एस क्यू आर एस इंटरवल जो होगा जीरो पॉइंट वन जीरो फाइव सेकेंड का होगा वैसे क्यू टी इंटरवल क्यू से लेके जहाँ टी हो रहा है यहाँ तक क्यू टी इंटरवल है ओके ये है जीरो पॉइंट फोर टू सेकेंड के लिए एट रेस्ट ऑफ द सिक्सटी मिनट सिक्सटी पर मिनट इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए ध्यान से इसे रट लीजिए ओके क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉर्मल पता होना चाहिए इसमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है जो नीचे की तरफ है मान लीजिए यहाँ से एक मिड लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसके जो नीचे है जैसे कि एस वेव और क्यू वेव नीचे है तो ये नेगेटिव वेव हो जाएगा और ऊपर जितना भी आ गया पी आर टी ये सब पॉजिटिव वेव हो गया ठीक है यू पॉजिटिव वेव हो गया इंटरवल्स क्या क्या है जैसे कि एक इंटरवल बताए थे पी आर इंटरवल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हम देखेंगे पी आर इंटरवल जो है जीरो पॉइंट वन टू से जीरो पॉइंट टू सेकेंड के लिए होता है एट द रेट रेट जो होगा हार्ट का सिक्सटी पर मिनट की स्पीड में रहेगा ठीक है टाइम टेकन बाय वेव इज टू रीज ए बी नोड फ्रॉम द आर्टरी इज कॉल्ड द पी आर इंटरवल पी आर जो जो समय लगेगा वेव को ए बी नोड से आर्ट्रियल तक पहुंचने में आर्ट्री तक पहुंचने में उस समय को उस इंटरवल को पी आर इंटरवल बोलते हैं ओके okay? क्यू टू इंटरवल जो इस इसका समय होगा जीरो पॉइंट फोर सेकेंड एंड एक क्यू आर इस इंटरवल जीरो पॉइंट वन ज़ीरो फाइव सेकेंड ओके देन आएगा एब्रेशंस, इसमें क्या आएगा जो ऐसे नोट है जिसको बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड एंड पी वेव आर्ट्रियल वेव पी वेव जो शो कर रहा है वो आर्ट्रियल डिपोलाइजेशंस की वजह से और क्यू आर एस वेव जो वेंट्रिकल एक्टिवेशन कम्प्लेक्स की वजह से और टी वेब वेव ऑफ द वेंट्रिकल रिकवरी या रिपोलाइजेशन जब वेव रिपोलाइजेशंस होगा वेंट्रिकल का रिपोलाइजेश होगा तब आपको टी वेव शो करेगा ठीक है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आएंगे इंटरवल के बारे में जैसे कि पी क्यू इंटरवल है इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पी वेव एंड क्यू वेव या आर वेव इफ द क्यू एबसेंट है तो आर वेव लेंगे अगर क्यू प्रजेंट है तो स्टार्ट करेंगे ठीक है क्यू वेव और पी वेव के इंटरवल को बोलते हैं देना आएगा क्यू टी इंटरवल इंटरवल बिटवीन बिगनिंग ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव इज कॉल्ड दू टी इंटरवल इंडिकेशन रिपोर्टेशन ऑफ हार्ट शो करेगा एंड आर आर इंटरवल इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसि क्यू आर एस इंटरवल इंटरवल बिटवीन बिगनिंग ऑफ क्यू वे एंड इंड ऑफ एस वेब क्यू वेब का बिगनिंग होगा और एस वेब का एं क्या होगा यहाँ पर क्यू आर एस इंटरवल है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिगनिंग ऑफ क्यू और इंड ऑफ द एस वेब क्यू आर एस इंटरवल आपको इंस्टाग्राम को रिलेट करना है आप अपने कॉपी में बना लीजिए फिर वहाँ पर जैसे स्टार्ट बोल रहा है जैसे कि हम हाँ बताता हूँ जैसे कि बोल रहा है क्यू टू इंटरवल इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव आप इस डायग्राम में आप देखेंगे तो बिगनिंग ऑफ क्यू वेव ठीक है यहाँ से बिगनिंग हो रहा है क्यू वेव का और इंड कहाँ हो रहा है टी वेव के एंड यहाँ पर ठीक है ये पोजीशन है और इस पोजीशन को बोलते हैं क्यू टी इंटरवल जो कि जीरो पॉइंट फोर सेकेंड का होता है ठीक है इस तरह से आपको रिलेट करना है देन आएंगे हम फिर से एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंट के बारे में एस टी सेगमेंट पूछता है एन आईसो इलेक्ट्रिकल लाइन या सेगमेंट फ्रॉम जे पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ टी पॉइंट इज कॉल्ड द एस टी सेगमेंट इसके बाद आएगा ए सी जी कन्वेंशंस पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस कौन शो करेगा पहले बता चुके हैं पी आर एन टी क्योंकि जो मिड लाइन जो एक लाइन है ठीक है मिड लाइन से जो ऊपर रहेगा उस पी आर एन टी रहेगा और जो क्यूब है वह है और एस वेव है वो नीचे रहता है इसलिए वो नेगेटिव डिफ्लेक्शंस शो करेगा एंड जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस है वो पी आर टी वेव शो करेगा पेपर का स्पीड कितना होना चाहिए ट्वेंटी फाइव एम एम सेकेंड होना चाहिए पर सेकेंड स्पीड रहेगा इच स्मॉल स्क्वायर वन एम एम जो कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर सेकेंड के लिए होगा और लार्ज स्क्वायर है फाइव एम एम का होता है जीरो पॉइंट टू सेकेंड के लिए ठीक है इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं एक मिनट पहले ये मान लीजिए पूरा आपका ए सी जी है ठीक है एक ये ये जो पूरा है ये फाइव एम एम का है लार्ज है ठीक है इसके में कितना समय लगेगा जीरो पॉइंट फाइव टू सेकेंड वहीं पर एक स्मॉल इसमें भी डिवाइड किया गया पार्ट पार्ट पांच पार्ट में पार मान पार डिवाइड किया गया यहाँ पर तो फिर इसमें से एक स्मॉल है इसको निकाल लेंगे वो ऑन एम एम का होगा और जिसका सेकेंड होगा जीरो पॉइंट जीरो फोर सेकेंड के लिए होगा वो जैसे कि इंस्टाग्राम में देख सकते हैं आप यहाँ पर एक बड़ा बड़ा वेव है ठीक है लाइन हुआ उस लाइन के बीच में छोटा छोटा है ठीक है तो इस तरह से आप को रिलेट कर सकते हैं उसके बीच कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट ऑन ए क्या है हार्ट रेट पर मिनट इज द फिफ्टीन हंड्रेड बाई आर आर इंटरवल एम एम इन ओनली एनी लीड्स ठीक है जो आर आर इंटरवल है मान लो कि आर आर इंटरवल हमको ट्वेंटी मिल रहा है और हार्ट रेट कैसे निकालना है फिर फिफ्टीन हंड्रेड बाई ट्वेंटी कर दो फिर कट कर दो सेवेंटी फाइव मिनट हो गया अगर आर आर इंटरवल मान लो कि जो ट्वेंटी है मान लो फिफ्टी आ गया ओके बाई फाइव हंड्रेड कर दो यहाँ पर सॉरी फिफ्टीन हंड्रेड कर दो कितना हो गया आपको थर्टी हो गया थर्टी मिनट ओके इस तरह से आप जो हार्ट रेट है वो निकाल सकते हैं इंडिकेशन ऑफ ए सी जी ओके टू एलुसिडेट कार्डियक एर्थमाइसिस एंड कंडक्शन डिफेक्ट्स टू डायग्नोसिस वेंट्रिकुलर हाइपट्रोपी ओके टू डिटेक्ट मायोकार्डियल इसेमिया या इन्फेक्शंस जो माओकोडियल इन्फेक्शंस या इसेमिया होगा ठीक है उसको डिटेक्ट करने के लिए इस चीज़ी का यूज होता है जो माओकारल इन्फेक्शंस है उसमें एस टी सिगमेंट जो होगा वो इलिवेट दिखेगा आपको ठीक है देन इट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस या ड्रग टोक्सी सच इस द डिजिटाइलिस या बीटा ब्लोकोट एंड द एंटी हाइपरथ्रोम्बोसिस ड्रग के सॉरी एंटी एडिथ्रमाइसिस ड्रग का जो टॉक्सिसिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसी ई सी जी का यूज होता है मेनली कि हार्ट से रिलेटेड जो भी है उससे होगा देन स्ट्रेस एक्सरसाइज ई सी जी दी जी रिकॉर्डिंग डूरिंग द ग्रेड या मेजर्स एक्सरसाइज या ट्रेडमिल इज कॉल्ड द स्ट्रेस ई सी जी जो पेशेंट है उसको पहले ट्रेडमिल पर चलाएंगे देन उसका ई सी जी रिकॉर्ड करेंगे इसमें दो तीन तरह से करते हैं एक पहले ट्रेडमिट के चढ़ने की के वजह से पहले करेंगे देन जब वो चल रहा है तब करेंगे और चलने के बाद जब रुक जाएगा देन करेंगे उसको बोलते हैं स्ट्रेस एसीजी इट इज यूजफुल डिटेक्ट द अर्थमाइसिस या माओकार्डियल इस्मिया ओरिजेंटली एस्ट्रेसिगमेंट डिप्रेस ऑफ वन एम एम फॉर द एटीन मेट फॉर सेकेंड ओके इंडिकेट इस्टेमिया राइज या फॉल बी पी डिंग टेस्ट इंडिकेट द एक्सटेंसिव इस्मिया वाट इज द कॉन्ट्राइडिक कॉन्ट्राइंडेशन इन द अनस्टेबल एंजेना हार्ट फेलियर सीवियर हाइपर टेंशन एरोटिक एस्टोनिशन देखो क्यों कॉन्ट्राइंडेशन है स्ट्रेस इसी चीज क्योंकि जो इसका अनस्टेबल इंजेना है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन उसको पहले से हो रहा है अगर वो फिर से उसको स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हैं अगर ट्रीटमेंट पर चला रहे हैं उसको हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा हो सकता है वो हार्ट अटैक आ जाए हार्ट फेलियर हो जाए और पेशेंट में भी क्लब्स हो सकता है सीवियर हाइपर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लड हाइपर टेंशन में तो ब्लड फ्लो तो आपको इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा है अगर उस पर कर चला रहे उसका हाइपर टेंशन बढ़ रहा है यानी कि हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो भी वही होगा हार्ट फेलियर हो जाएगा हो सकता है डेथ हो जाए ठीक है इस वीडियो में हम यहाँ तक की बात करेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एट द रेट के नाम से या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर पर थैंक्स फॉर वॉचिंग